Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्वार घाट में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर व प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिरकत की। सर्वप्रथम युवा मोर्चा बिलासपुर के तमाम पदाधिकारियों ने अनुराग ठाकुर का स्वागत शॉल व टोपी पहनाकर किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर को युवा मोर्चा ने तलवार देकर सम्मानित किया व युवाओं के जोश भरे स्वर में मोदी मोदी के नारों से पंडाल गूंज उठा। युवा सम्मेलन में भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की हुंकार भरी। देश और हिमाचल प्रदेश दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चारों उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, क्योंकि एक बार फिर हिमाचल की जनता भाजपा को चारों की चारों सीटें जिताएगी और केंद्र में मोदी सरकार बनाएगी। हर सर्वे में आ रहा है कि हिमाचल की चारों सीटें भाजपा जीतेगी, लेकिन हम कड़ी मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, मोदी सरकार की और सांसद की उपलब्धियों को लेकर जनता को बताएंगे और एक बार फिर आशीर्वाद पाकर अगले 5 वर्षों में देश का चहुंमुखी विकास करेंगे। जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में मोदी जी ने 6 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, अगले 5 वर्षों में हम इससे ज़्यादा काम करेंगे। ये आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी जो मोदी सरकार ने किया है। देश आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया देश के पहले 5 देशों में आकर भारत का नाम खड़ा हुआ है। अब अगले 5 वर्षों में दुनिया के पहले 3 देशों में भारत को लाएंगे, महान भारत बनाएंगे। मंडल के युवा मोर्चा ने यहाँ पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हमारे सैकड़ों की संख्या में नौजवान पूरे विधानसभा क्षेत्र से आए थे, जिनको हमारे सांसद और आगामी लोकसभा चुनाव में फिर से सांसद बनने वाले श्री अनुराग ठाकुर जी ने संबोधित किया है। ये युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति ऐसा हम मानते हैं और ये देश के चुनाव इस देश के भविष्य के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा मानना है कि देश के भविष्य के साथ युवाओं का भविष्य जुड़ा है, इसलिए युवा बढ़ चढ़ कर इस देश के भविष्य को सुरक्षित हाथों में सौंपेंगे। और आज ये हर देशवासी, हर नौजवान समझ रहा है कि ये देश अगर सुरक्षित है, इस देश का अगर भविष्य उज्ज्वल है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों सुरक्षित है। उस उद्देश्य को लेकर, उस लक्ष्य को लेकर हमारे नौजवान हर बूथ में काम करेंगे और यहाँ से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नौजवान जुझारू नेता अनुराग ठाकुर को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, ये संकल्प नौजवानों ने आज इस सम्मेलन में लिया है। चाहे 70 की बात करें, चाहे आज़ादी की बात करें या 2014 की बात करें, हर बार युवाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहता था, कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहता था, वही कांग्रेस पार्टी जिसको 400 सीटें मिली थी, इन नौजवानों ने मेहनत करके पिछले चुनावों में केवल 44 सीटों पर लोकतंत्र थी, ये नौजवानों ने देश में करके दिखा दिया।